आंटी समझाएं इसे। अम्मी साथ। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आपकी बीवी कैसे तड़प रही है। पैसे के लिए इसने आपसे शादी तो कर ली, लेकिन चाहती आज भी ये साथ को ही है। जायरा नहीं आई, बहुत देर हो गई। नहीं आई, वो भी आप ही जैसे निकली। बिल्कुल आप जैसे। वो तो बहुत अच्छी है, मेरी जैसी तो हो ही नहीं सकती। चली जाइए आप यहां से। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई। आप मेरी बात समझ ही नहीं। मैंने कहा चली जाइए आप यहां से, नहीं करी मुझे आपसे बात। सारी औरतें एक ही जैसी होती हैं। शादी करनी नहीं चाहिए थी मुझे। आप यहां पे खड़ी रहेंगी या मैं ही घर से चला जाऊं। मुझे वो लड़की तुम्हारे लिए कभी सही लगती ही नहीं थी। तुम खुश थे इसलिए मैं खुश थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़की इस तरह से बिहेव करेगी। लोगों को क्या जवाब देंगे आप? क्या कहेंगे कि नवीन ने क्यों तोड़ दिया ये रिश्ता? कितनी इंसल्ट की उसने हमारी, बेइज्जत करके घर से ही निकाल दिया। उसे तो शुरू से ही जहरा से प्रॉब्लम थी। मुझे पता था कि वो एक ना एक दिन जरूर कोई तमाशा करेगी। नहीं करना चाहिए था नवीन को ऐसा। उमेर इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई आपको उसके नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए। आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे। उसकी वजह से आपकी शादी टूट गई। तुम्हें इस वक्त भी ऐसी बातें सूझ रही हैं? क्या मिला उसे? दो दो जिंदगियां बर्बाद कर दी उसने। क्या मिला उसे? उसे पहचानने में मुझसे गलती हो गई। Thank you.
तुमने एक्टिंग तो अच्छी की थी ना साथ। हाँ ना। सब आ जाए। रह गया यार, कहीं कहाँ रह गया? साथ 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 आ गया। साथ? शिंदे हॉस्टल में आ गया यार। उमेर, सीरियसली? मुझे से कॉल करके कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं कैसे गाड़ी भगाता हूँ यार, तो तुम। उमेर, you're such a softy. हम तो तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे, तुम बेवकूफ बन गए। बेचारा। अभी फंसने वाली क्या बात है? साद, good acting. बेटा, तेरी बात पे यकीन करने से पहले मैं हजार बार सोचूंगा। भाई ये तो सीरियस हो गया है, क्या हो गया है? हम तो मजाक कर रहे थे। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सफिया, ज़ाहरा को तलाक हो गई है क्या? अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो ज़ाहरा का मियां उसको कल दरवाजे पे छोड़ के चला गया था, काफी देर वो खड़ी रही है। देखिए सफिया, बुरा नहीं मानिएगा, हम तो आपके अपने हैं ना, आपका दुख बांटने आए हैं। अब आप हमें अपना समझे ना समझे, ये आपकी मर्जी है। मेरे पास ऐसा कोई दुख नहीं है जिसे बांटा जाए। मेरी बेटी घर पर कुछ दिन गुजारने आई है, जैसे हर शादीशुदा लड़की करती है, और नोकझोंक किस मियां बीवी में नहीं होती। तो आपकी मर्जी है, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। चाय भी अब खत्म हो रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन जाने से पहले एक सजेशन है मेरा आप लोगों को, ये सारा दिन घर पर बैठ के जो आप लोग टाइम वेस्ट करती हैं ना, इससे बेहतर होगा कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, जिससे आपको भी फायदा हो और सोसाइटी को भी। थैंक यू।